Hey guys, welcome back again to this new video. And today I'll be making egg fried rice. और simple लगते हैं, ठीक है? Easy रखेंगे. Easy होता ही है actually, कोई rocket science नहीं है इसमें, ठीक है? But सबका बनाने का तरीका अलग होता है. देखो, दो तीन चीज़ है, जैसे vegetables, चावल, अंडे. अभी ये चीज़ तो भाई रहेगा ना, फ्राइड राइस बना रहे हो तो एग फ्राइड राइस में भाई एग एंड राइस एंड वेजिटेबल्स तो चाहिए. ये तीन चीज़ है. अब उसमें कौन सी सब्जियाँ पड़ रही हैं, कौन सा सॉस यूज़ कर रहे हो, कौन से मसाले यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से फ्राई कर रहे हो, किस तरीके से उसको आप सर्व कर रहे हो, ये डिपेंड करता है पीपल टू पीपल. ये भाई मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ, सो आई होप यू गोना लाइक इट. एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, बताना कैसा लगा. वीडियो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. ओके, सो चलो बनाते हैं फिर जल्दी जल्दी. मेरे पास है कैप्सिकम, इसको आप काट लेंगे. मेरे पास है गाजर, अब गाजर को भी काट लेते हैं, फाइन चॉप कर लेते हैं. मेरे पास यहाँ पे ग्रीन बीन्स है, तो इसको भी काट लेते हैं, ठीक है? अगर प्याज डालना हो तो प्याज डाल सकते हो, मैं प्याज नहीं डालूंगा, खाली मैं सब्जी डाल रहा हूँ. शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स. ये देखो मेरी सब्जी कट के तैयार है, बीन्स एंड कैप्सिकम और गाजर, ठीक है? बीन्स का थोड़ा सा मैं थोड़ा एंगल पे काटा हूँ, आपको फाइन चॉप करना है. ऐसे मैं ये काटा हूँ रेक्टेंगुलर शेप में. गाजर और कैप्सिकम आप वैसे भी काट सकते हो, बस थोड़ा फैंसी लुक के लिए मैंने वैसे काट दिया, ठीक है? और साथ में मैं यहाँ दो हरी मिर्च भी काटूँगा, ठीक है? ये देखो दो हरी मिर्च, मैं इसको भी काट के रख लूँगा अभी. सो हमें ये सब्जियाँ और हरी मिर्च, प्याज ऑप्शनल है, प्याज चाहिए तो प्याज डाल सकते हो, ठीक है? अभी इसको करते हैं फ्राई, तो इसको अभी हाई हीट पे पकाएंगे. क्या करते हैं अभी, इसमें डालेंगे ऑयल. एंड थोड़ा गर्म होने देते हैं इसको, साथ ही में तब तक काट लेते हैं अदरक. अदरक का छोटा छोटा पीस काट लेते हैं, चॉप कर लेते हैं. तेल गर्म हो गया, अभी डालेंगे इसमें अपना चॉप किया हुआ अदरक. अब डालेंगे इसमें अपनी हरी मिर्च. साथ ही में डालेंगे अपनी सारी सब्जी एक साथ, ठीक है? पहले गया अपना बीन्स, गाजर एंड कैप्सिकम. बस दो मिनट के लिए इसको टॉस करो, उसके बाद मैं यहाँ तीन अंडा यूज करूँगा. ये गया पहला अंडा, या दूसरा अंडा, ठीक है, तीसरा अंडा. अभी इसको भुर्जी की तरह मिक्स करो. चाहो तो सब्जी अलग अंडा अलग कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं करना था. वैसे चाहता था कि थोड़ा सब्जी में कोट भी अगर हो जाए अंडा अच्छा लगेगा. सो इसको साथ में कर रहे, जैसे कोरियन राइस बनता है ना, चावल अंडा एक साथ मिला के एक में अंडा फोड़ के चावल में दम मिक्स करते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ मैं, ठीक है? सो अगर आपको पसंद हो तो आप ऐसा बनाओ, वरना आप अंडा अलग सब्जी अलग करके भी कर सकते हो. अभी डालेंगे हम इसमें अपना चावल. तो चावल बासी रहे तो ज़्यादा अच्छा है. रात का बना हुआ, देखो रात का बना हुआ चावल तक मैं वही यूज़ कर रहा हूँ, वही यूज़ करना. फ्रेश चावल रखोगे तो टूट जाएगा, हलवा हो जाएगा. सो यहाँ पे गया पूरा चावल एक साथ. धीरे धीरे करो ताकि चावल टूटे ना आराम से. अभी यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सोया सॉस, ठीक है? थोड़ा सा चिली विनेगर, जो नॉर्मल विनेगर भी चलेगा,
और साथ में यहाँ डालूंगा मैं हल्का जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और चुटकी भर जाएगा यहाँ गरम मसाला पाउडर और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। और साथ में यहाँ डालेंगे नमक, सोया सॉस और सब पड़ा हुआ है तो नमक थोड़ा कम अंदाजे से, वाइट सॉल्ट, क्योंकि अंडे में भी नमक नहीं मिलाया था, अंडे में नमक मिला के फेंट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने अंडे में भी नमक नहीं मिलाया है, सिर्फ अंडा मैंने डाल दिया डायरेक्टली, मुझे उसमें नमक नहीं चाहिए था, ठीक है। सो अभी ये एंड अच्छे से इसको मिक्स करो, ताकि ऐसे नो करते रहो, चावल टूटे ना ध्यान से। अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें मारेंगे पानी का छींटा हल्का सा, ताकि पूरा मिक्स हो जाए, मसाला जो भी डाले थे ना हमने वो बढ़िया से पूरा मिक्स हो जाए। इसको गैस बंद करते हैं, निकालते हैं इसको बोल में। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो, एंड रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड देखो जाने से पहले एक बार फिर से देख लो, ठीक है। आई होप अच्छा लग रहा होगा यार, गरम गरम एकदम मस्त, हाँ हाँ मस्त एकदम स्मेल आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा यार, सो प्लीज़ डू कमेंट एंड कैसा लगा, एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाना, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं देकर रखा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, एंड स्क्रीन पे भी लिख के आ रहा होगा @thefoodlorian, सो मुझे जाके वहाँ पे टैग करो, हैशटैग यूज़ करो, @ यूज़ करो, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके। आई एम गोना एंजॉय माय मील नाउ।